रहीम रिम्ल आज ना मोहम्मद वाला मोहम्मद असलम व्यूवर्स वेलकम बैक टू माय चैनल होप आप सब लोग खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे मेरी दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे तो चलते हैं जी आज एक बहुत ज़बरदस्त सा ब्लाग लेके आई हूँ आपके लिए कुछ रेसिपीज़ के साथ तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा तो सबसे पहले देखे मैं बना लूँगी पिज़्ज़ा डो बड़े ही सिंपल तरीके से और बड़े ही जल्दी से जो है वह मैं पिज़्ज़ा डो बनाऊँगी इसके लिए मैंने ले लिया है, दो कप मैदा नॉर्मल सर्विंग जो चाय वाले कप है उसी के साथ सारी मेजरमेंट्स करेंगे तो दो कप मैं ले लूँगी मैदा और इसमें मैं एक पैकेट डालूंगी से ईस्ट का और ये तकरीबन 11 ग्राम के करीब होता है और ये तकरीबन एक टेबल स्पून बन जाता है भर के और दो कप मैदे में जो है वो एक टेबल स्पून यानी एलेवन ग्राम का एक पैकेट हाँ मैं शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डालूँगी नमक और जो है वो दो टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी शुगर और जो है ना तकरीबन फ़ोर टू फाइव टेबल स्पून इसमें मैं डालूंगी ए, कुकिंग ऑयल के और अंडा जो है वो अगर आप डालना चाहें तो डालें और अगर ना डालना चाहें तो ना डालें ये टोटली ऑप्शनल है अगर आप चाहते हैं तो डाल लें और मैं अभी वक्त नहीं डाल रही तो बस ये सारी चीज़ें एक बाउल में ऐड करने के बाद मैं हमेशा पिज़्ज़ा डो जो है वो हॉटपॉट में बनाती हूँ ताकि मेरे लिए ये बड़ा आसानी से जो है ना वो राइज़ हो जाती है और मैं किसी भी इसको जो है वो गर्म जगह पर रख देती हूँ और मैं इसको हमेशा माइक्रोवेव के अंदर रखती हूँ और मैंने यहाँ पर ले लिया है नीम गर्म दूध और उसके साथ मैं इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंद के तकरीबन दो से तीन घंटे के लिए राइज होने के लिए रख लूँगी तो चलें जी इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं तो मैं ले लूँगी लहसुन और अदरक और प्याज का पेस्ट और थोड़ा सा ऑयल और इसमें मैंने डाल लिया है कीमा चिकन का कीमा इसको मैं हल्का सा इसके अंदर कलर चेंज करने तक ऑयल और इस लहसुन अदरक की पेस्ट में और प्याज की पेस्ट में भूनूंगी और इसमें मैंने एक टेबल स्पून विनेगर ऐड किया एक टेबल स्पून चिली सॉस और दो टेबल स्पून सोया सॉस और थोड़ा सा नमक सॉल्ट टू टेस्ट और साथ में मैंने थोड़ी सी क्रश चिली फ्लेक्स डाले हैं और साथ में थोड़ी सी काले मिर्च तो बस ये सारे स्पाइस डाल के इसके अंदर मैंने डाला है औरग्नो और जो है ये डालने के बाद हल्का सा इसको जो है मज़ीद मैं पकाऊँगी और फिर जो है मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून के करीब पेपरिका पाउडर और ये पेपरिका पाउडर जो है वो तीखा नहीं होता सिर्फ टेस्ट के ए, कलर के लिए इसको डाला जाता है ये शिमला मिर्च के पाउडर रेड शिमला मिर्च का ना पाउडर होता है तो बस इसको जो है ना ऐड करने के बाद मैं हल्का सा इसको जो है वो फ्राई भूनूंगी और उसके बाद मैं इसको दम पे रख दूंगी बस पाँच मिनट के लिए क्योंकि इसमें बेक भी होना है तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है बस चिकन की जो स्पेसिफिक स्मेल वगैरह होती है वो दूर करने के लिए मैं इसको पकाऊंगी उसके बाद ये है कि अब ये चिकन मेरे लिए ज़्यादा था तो इसमें से थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मैंने उसका क्या करना है तो व्यूवर्स आज अब मैं आपके साथ हाई टी की कुछ आइटम्स और कुछ जो है रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ तो वीडियो को एंड तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा और इन रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मैं जो है जो जो कीमा जो एक्स्ट्रा था उसमें मैं डाल दूँगी मैकरोनीज़ और मैंने सोचा कि चलें एक एक्स्ट्रा जो है ना चीज़ वो बना लेती हूँ और ये है कि अफतारी में सर्विंग हो जाएगी मैकरोनीज़ की तो बॉयल्ड मैक्रोनीज़ मेरे पास पड़ी थी वो बस मैंने इस कीमे में ऐड की और इसके बाद मैं थोड़ी सी वेजिज़ ऐड करूँगी थोड़े से कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी तो बस ये है कि एक नई आइटम जो है वो चलते फिरते मैंने बना ली तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जो है वो तकरीबन एक शिमला मिर्च और एक छोटी साइज़ की गाजर और जो है वो साथ में आपकी मर्ज़ी आप क्या क्या जो सब्ज़ी पसंद करते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं तो बस ये है कि इसमें कुछ सोया सॉस और चिली सॉस मैंने मज़ीद ऐड किया है ताकि थोड़ा सा ये है कि नमक और चाट मसाला भी एक्स्ट्रा ऐड किया क्योंकि जब मेकरोनीज ऐड करेंगे तो वो जो भी उसके मसाले थे वो कम हो जाएंगे तो ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी क्विक सी मेकरोनीज़ जो हैं वो मेरी रेडी हो जाएंगी और इसमें फिर मैं थोड़ी सी कैबिज भी ऐड करूँगी ऐट द एंड और उसको ज़्यादा पकाना नहीं है ताकि उसका जो कच्चा कच्चा सा टेस्ट है वो साथ में क्रोनिस के शामिल हो जाए और वो बड़ा खूबसूरत भी लगेगा और बड़ा मज़ेदार भी लगेगा तो आप जो है वो वीडियो को देखते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें आज मैं आपके साथ बहुत अलग सी और रेसिपीज शेयर करूँगी कुछ बेकिंग स्किल्स और कुछ बेकिंग टिप्स ताकि आप बड़ी आसानी के साथ अपने घर में मौजूद चीज़ों के साथ और जो है अपने घर में जो भी आपके पास स्टोव है उसी के ऊपर आप बेकिंग कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है बस कुछ टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो इन ताला तला आप भी इसी तरह के जो बेकिंग आइटम्स मैंने बनाए हैं वो आप बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ और उसके बाद व्यूवर्स जो कीमा थोड़ा सा मैंने बचाया था फ़िलिंग के लिए उसको मज़ीद जो है वो मैं कैसे तैयार करूँगी और उसमें क्या चीज़ें ऐड करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ जो कीमा ऑलरेडी मैंने सेपरेट करके साइड पे फिलिंग के लिए रखा है उसमें बस ये है कि मैं दो चम्मच एक फुल टेबल स्पून भर के ना और नहीं तो दो टी स्पून जो है वो मैदे के ना शामिल करने हैं आपने तो मैं यहाँ पर एक फुल टेबल स्पून जो चावल खाने वाला चम्मच होता है वो फुल भर के वो ऐड किया है और इसको मैं हल्का सा इसके अंदर थोड़ा सा मजीद ऑयल डाल के भूनूंगी ताकि मैदे का जो है वो कच्चापन दूर हो जाए और ये स्प्रेडिंग फॉर्म में थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा और हमारी जो बेकिंग आइटम्स हैं उन पे ये बड़ा आसानी से जो है वो लग जाएगा और बड़ा ही इजीली जो है ना फिर वो हिले जुलेगा नहीं अपनी जगह से तो बस इसको तकरीबन दो मिनट आपने हल्की बिल्कुल हल्की आंच पे हलवे की तरह जिस तरह हम हलवा बनाते हैं ना उस तरह से आपने इसको भूनना है और उसके बाद मैं इसमें तकरीबन एक कप के करीब जो है वो दूध ऐड कर दूंगी तो दूध ऐड करने के बाद आपने मुसलसल चम्मच जो है वो हिलाते रहना ताकि जो है वो लम्स ना बन जाएँ तो बड़ी आसानी के साथ जो है ये हमारी फिलिंग जो है वो अब रेडी है और ये बहुत मज़ेदार है और बहुत ही यूनिक तरीके से कीमे के साथ मैं आज आपको फिलिंग तैयार करके बता रही हूँ यूजली जो है वो बोनलेस चिकन होता है तो आज कीमे के साथ मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ तो ये इतनी मज़ेदार है कि अगर आप इसको ऐसे से भी सर्व करें तो ये एक बड़ी खूबसूरत और इसके साथ आप कोई भी फिलिंग कर सकते हैं जिसमें स्प्रिंग रोल्स कीमे के समोसे और वेरियस आइटम्स हैं जो आप इसके साथ बना सकते हैं तो बस बड़ी ख़ूबसूरती के साथ ये हमारा जो है वो फिलिंग रेडी है इसमें मैं थोड़ा सा प्याज ऐड करूँगी और प्याज और शिमला मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ा सा टमाटर इसको ऐड करने के बाद आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये बेकिंग में सारी इसकी कसर जो है वो निकल जाएगी तो ऐट दिस स्टेज आप इसको खाना रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं ये इट बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगी अगर आप इसमें मोजरेला चीज़ या चैडर चीज़ डाल के सर्व करें तो फिर समझे के सोने पर सुहागे वाला काम होगा बहुत मजेदार इसकी फिलिंग है और आप इसको रोटी या पराठे के अंदर भी फिलिंग करके या किसी शॉर्मा या पीटा ब्रेड के अंदर डालें तब भी ये बहुत खूबसूरत और मज़ेदार टेस्ट देगा उसके बाद ये है कि यहाँ पर मैंने जो रोडो थी वो मेरी रेडी है मैं इसको कुछ इक्वल पॉट्स में जितने मुझे समझे कि जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है तो मैं इसके साथ आपको क्या क्या बना के दिखाऊंगी ये मैं अभी आपको बताती हूँ तो मैं इसको तकरीबन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी बनाना सिखाऊँगी जो है वो तर्किश पिज़्ज़ा तो तर्कश पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले जो है मैंने एक ले लिया है पेड़ा और इसको मैं ओवल शेप में जो है ना वो बेल लूँगी ओवल शेप में ना इस तरह से लंबाई में बेलना इसके या फिर गोल नहीं बेलना इस तरह से ओवल शेप में मैं इसको बेल लूँगी और इसके मिड में जो है वो मैं फिलिंग ऐड करूँगी तो ये मैं बना रही हूँ तर्किश पिज़्ज़ा और या फिर इसको तर्किश मिन्स पिज़्ज़ा बाइट्स भी कह सकते हैं आप और ये है कि ये बहुत मज़ेदार और बहुत अलग तरीके से जो तर्की में फूट स्ट्रीट्स होती हैं ना उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये बहुत स्पेसिफ़िक और बड़ा मज़ेदार सा और एक अलग सा पिज्ज़ा जो है वो टेस्ट इसका होता है और सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी शेप बहुत डिफरेंट होती है जो बड़ी ही समझे के अपीलिंग लगती है और दावतों में जो है वो एक नई चीज़ और नई चीज़ समझे के इंट्रोड्यूस करने का तरीका है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स में या फिर किसी हाई टी में या फिर ये है कि दावत में अपने मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए या फिर उनका दिल जीतने के लिए ये बड़ी एक अच्छी सी चीज़ है और इसके मिड में मैं अपनी सारी फिलिंग रख दूँगी और इसके साइड के ये जो कॉर्नर्स हैं इनको आपने इस तरह से दबा के इसको साइडों से सिर्फ बंद करके एक बोट की शक्ल दे देनी है और ये है कि इसको ना आपने मिड से ओपन रखना है और ये इसी तरह से रहेगा जैसे एक कश्ती की शक्ल होती है ना उस तरह से तकरीबन ये नज़र आएगी और इसके दरमियान वाले कॉर्नर दरमियान वाले जो कॉर्नर्स हैं उनको भी आपने इस तरह से कर लेना है और इसके मिड में जो है ना वो आपने चीज़ की फिलिंग कर लेनी है मोजरेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों जो है मिक्स में ऐड कर रही हूँ मेरे पास थी अमेरिकन चीज़ और मोजरेला चीज़ तो उसके जो है वो श्रेडेड फॉर्म में मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आप इसमें जो चाहे अपनी मर्जी से चीज़ ऐड कर सकते हैं उसके ऊपर मैं थोड़े से स्प्रिंकल कर दूंगी ऑरिगेनो या फिर कोई मिक्स्ड हर्ब्स और ये थोड़ा सा जो है वो चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी तो इसके कॉर्नर्स पे जो है वो अंडा जो है ब्रश करना चाहें तो कर सकते हैं अगर ना करना चाहें तो तब भी कोई खास ज़रूरत नहीं है तो बस इसको फिर मैं पैन में सेट कर दूंगी तो फिर मैं इसको बेकिंग जो है ना वो अपना पतीला उसके अंदर रखूँगी तो मेरे पास था जी पैन छोटा और मेरे पास आइटम्स थी ज़्यादा तो इस वजह से इनकी थोड़ी सी शेप जो है ना वो समझें कि वो थोड़ी सी दब शब गई थी लेकिन ये है कि टेस्ट और वैसे खूबसूरती में कोई फ़र्क नहीं आया था तो कोशिश करें कि पैन जो है वो बड़ा हो ताकि जब ये पकेंगे तो ये बेक होंगे तो ये थोड़े से राइज हो जाएंगे अपने साइज़ से तकरीबन पॉइंट फाइव टू पॉइंट टेन के करीब इनका साइज जो है ना वो इंक्रीज भी होता है तो इंक्रीज होने का जो है ना इसको स्पेस चाहिए होती है तो इस तरह से दूसरे भी मैं दूसरा भी अपना तैयार कर रही हूँ तर्किश पिज़्ज़ा तो ये बड़ा मज़ेदार था और बड़ा ही खूबसूरत था और जो है मैंने फिर इसके ऊपर एंड पे ना मुझे कुछ कमी सी लग रही थी तो मैंने इसके अंदर ऑलिव्स ब्लैक ऑलिव्स जो है ना वो भी काट के डाले थे वो भी बड़े ख़ूबसूरत लग रहे थे ऊपर से तो इसके ऊपर स्प्रिंकल की थी मैंने थोड़ी सी औरगेनो और साथ में चिली फ्लेक्स और फिर जब आपने इसको सर्व करना है ना तो उस टाइम आपने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया या फिर पार्सले डालना है तो उसके बाद मैं आपको एक और नई चीज़ ये देखे मैं बना रही हूँ ये मैं बनाऊँगी चिकन पाई और ये एक अलग शेप में आप इसको चिकन ब्रेड की एक फॉर्म भी कह सकते हैं या चिकन पैटीज़ की कोई शेप भी इसको कह सकते हैं तो इसके नीचे मैंने जिस तरह हम आलू का पराठा बनाते हैं ना उस तरह के दो पेड़े ले लिए हैं और जो ऊपर वाला होगा ना जो कवर करना उसके मिड में ना मैंने कर, इस तरह से कट्स लगाए हैं आप देख सकते हैं बस इसकी खूबसूरती के लिए और इसके साइडों की जो है ना वो थोड़ी सी सजावट के लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है ये जो तीसरा पीस है जो साइड पे पड़ा है इसको आपने इस तरह से कट कर लेना जैसे मैं कर रही हूँ जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ इसी तरह से आपने इसके लॉन्ग लॉन्ग से स्ट्रिप्स काट लेने हैं और इसको फिर क्रॉस की शेप में फोल्ड दो दो करते करते आपने एक लॉन्ग रस्सी टाइप बना लेनी है जैसे रोप होती है ना उस तरह से और फिर आपने इसके कॉर्नर्स जो नज़र आ रहे हैं ना साइडों पे उसके ऊपर इसको गोल शेप में ना इस तरह से सारे एजेस पे ना आपने इसको घुमा के ना तो सेट कर देना है तो ये मत सोचिएगा कि ये बेक नहीं होगा या मोटा है तो कच्चा रह जाएगा तो बस बड़े ही आसानी के साथ और बड़े मज़ेदार तरीके से ये बेक होगा और बड़ा ही ख़ूबसूरत इसकी लुक आएगी वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि ये फाइनली कैसा जो है वो लग रहा था इस तरह से आपने इसके क्रॉस बनाते जाने हैं और जो है अगर आपके पास थोड़ा सा लॉन्ग हो पेड़ा तो उसके साथ बड़ा इजी हो जाएगा एक ही तरह से तो मैं इसको जो है वो साइडों से मिड में से ना इस तरह से क्रॉस शेप्स की रॉप्स बना के तो फिर मैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ रही हूँ आज मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्पीडी नहीं किया ताकि आपको मैं आसानी से सारी चीज़ें समझा सकूं और दिखा सकूं कि इसको मैंने कैसे तैयार किया है तो बस इस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड करते करते इसके कॉर्नर्स के ऊपर लगा कर इसको हल्का सा दबा दूंगी ताकि ये सेट हो जाए और फिर अपनी जगह से ये मूव ना करे और फिर ये आसानी के साथ जो है वो बड़ी ख़ूबसूरती के साथ जो है ना वो आप देख सकते हैं अभी भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और बाद में जब ये पक जाएगा बेक हो जाएगा तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा तो बस सेम इसी तरीके से आपने भी इसको तैयार कर लेना आप चाहें तो जो है ना वो ये सारे भी इस तरह से बना सकते हैं मैं एक एक चीज़ की आपको बारी बारी सारी चीज़ें समझा रही हूँ और उसके बाद आपने कोई भी बेकिंग ट्रे ले ले लेना उसके अंदर आपने इसको सेट करके रख देना तो कोशिश ये करें कि बेकिंग अभी जो मेरा वो तर्किश जो थी ना पिज़्ज़ा वो पक रहा था बेकिंग हो रही थी उसकी तो उसके दौरान ही मैं ये बना के तकरीबन दस बीस पच्चीस मिनट इसको रेस्ट दूंगी ताकि ये राइज़ हो जाए इसी जगह पर तो अगेन जो है वो मैं एक और जो है वो पिज़्ज़ा ब्रेड बना लूँगी और जो है ना ये भी बड़ी ख़ूबसूरत जो है ना एक अलग वेरिएशन के साथ ना मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट ना तरीके से आपको बता रही हूँ कि ये कैसे बनेगी तो ये आप देख सकते हैं इसके भी मिड में मैंने जो है ना वो रखा है सारा जो है वो फिलिंग और इस तरह से एक स्ट्रिप आपने यहां से उठानी है और एक यहां से इस तरह से आपने इसको फोल्ड जो है वो करते जाना है और हल्के हाथों से दबाना है ताकि ये खुले नहीं और चीज की मैंने इस, इन, इसके अंदर उसी तरह से फिलिंग की है और इस तरह से एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट एक राइट इस तरह से आप उठाते जाएंगे और फिर आप इसके कॉर्नर्स को जो है ना वो जोड़ते जाएंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा तो देखें जी यहाँ पर मैंने कितनी ख़ूबसूरती के साथ इसको सारा कवर कर लिया है और अब ये जो है ना वो एक फ़िश की जो है ना वो मैंने शक्ल बनाई है और ये एक फ़िश ब्रेड टाइप आपको लग रहा होगा और इसको जो है वो मैं आगे चल के मज़ीद जो है वो ख़ूबसूरती के साथ सजाऊँगी तो वो साथ ही आपने ले लेनी है एक एग योक और एग योक के साथ आप आपने पूरी ब्रेड के ऊपर जो है ना वो एग ब्रश कर देना सारा और एग योग के साथ ये लाजमी कीजिएगा और ऐसा मत सोचिएगा कि इसकी कोई बुरी स्मेल आएगी या फिर अगर आप अंडा नहीं खाते तब भी आपने ये जरूर ऐड करना है इसी के साथ जो है इसके ऊपर जो हम तेल लगाएंगे वो इसके ऊपर स्टिक भी हो जाएंगे और इसी के साथ इसका कलर आएगा तो बस एक ब्लैक ऑलि के साथ जो है ना वो मैंने इसकी आँख बनाई है फ़िश की तो बड़ी खूबसूरती के साथ ये लग रही थी और मुझे भी सबसे ज़्यादा अपीलिंग जो है वो ये फिश ही लग रही थी और साथ साथ मेरे बच्चे भी बार बार देख रहे थे और बस जैसे ही मेरी वो तर्किश पिज़्ज़ा जो है वो मेरा रेडी हो गया था तो मैंने इसको रख दिया था तो ये इस तरह से पतीले के अंदर मैं रखूँगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये रेडी हो जाएगा तो आपने हमेशा सिल्वर का पतीला लेना है और थोड़ा सा डीप लेना है ताकि ये है कि वो आसानी के साथ बेक हो जाएगा और किसी कढ़ाई में जो है वो मैं नहीं रेकमेंड करूँगी इस तरह से आप बनाएं और पहले आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने उसको पतीले को प्री हीट करना है और फिर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको रख देना है दम से थोड़ी तेज़ यानी मीडियम टू स्लो फ्लेम में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए तो ये देखें जी यहाँ पर मेरी तर्किश ब्रेड यानी तर्किश पिज़्ज़ा जो है वो रेडी है और आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत ही मज़ेदार थी ये हम लोगों ने अवतारी में खाई और बहुत मज़ा आया तो ये तरकश पिज़्ज़ा या फिर तरकश मिन्स बाइट पिज़्ज़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको कट आपने इस तरह से करना है कि आपने इसको या तो मिडल से दो पी इसके पीस बना दें या फिर अगर बच्चों के लिए तो आप इसके मिड से कटिंग करें तो ये बड़ी ख़ूबसूरत लगेंगी मेरे पास आप देख सकते हैं कि पैन छोटा था इस वजह से इसकी थोड़ी सी शेप खराब हो गई है बाकी यह है कि अगर पैन बड़ा होता तो ये बिल्कुल बोट की शेप में ही एज़ इट इज़ रहता लेकिन फिर भी ये इसकी फिलिंग बिल्कुल बाहर नहीं आई थी और अंदर बिल्कुल स्टिक हो के मोजरेला और चेडर चीज भी मेल्ट होकर बाहर तक नहीं आई और बहुत ये खूबसूरत लग रहा था और बहुत मज़े का था खाने में तो बस मैंने आपको बताया था इसके ऊपर मैंने ब्लैक ऑलिव्स डाले थे और जो है मैंने इसके ऊपर अंडा भी ब्रश किया था और जो है ना सर्विंग के टाइम मैंने इसमें वो भी डाले थे धनिया भी थोड़ा सा डाला था क्योंकि मेरे पास पार्सले नहीं था तो अगर आपके पास पार्सले हो तो वो डालें यहाँ पर मैं फ्रूट चाट जो है वो साथ साथ अवतारी के लिए बना रही थी और ये भी एक हाई टी की बड़ी ही समझे कि वाइटल आइटम है इसकी रेसिपी जो है वो मैं आई बटन में ऊपर शेयर कर दूँगी आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं और ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक क्रीम चाट जो है क्रीम सैलड भी मैंने बनाया था उसकी भी मैं रेसिपी आई बटन में ऊपर आपके साथ शेयर करूँगी वो भी आप हाई टी में जो है ना वो ज़रूर ऐड कीजिएगा वो भी बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही आई कैचिंग लगता है तो अपने जो है मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए आप ये चीज़ें अगर एज़ अ डिज़र्ट शामिल कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा और एक हेल्दी फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ पर मेरे बच्चे जो हैं वो आप देख सकते हैं बड़े ही एक्साइटेड थे और बड़े ही खुश हो रहे थे कि कब जो है वो पिज़्ज़ा बनेगा और साथ में जो है कुछ कमेंट्री कर रहे थे और ये है कि बस बच्चों को तो आपको पता है आजकल के जो बच्चे हैं ए, इस सेंचुरी के इनको तो बस जंक फूड और इस तरह की चीज़ें ही बड़ी ही अच्छी लगती हैं बाकी यह है कि चावल रोटी और हेल्दी फ़ूड के तो ये समझे दूर दूर तक इनको बिल्कुल भी कोई अट्रैक्ट नहीं करती अच्छी चीज़ या कोई फ्रूट या फिर कोई भी अच्छी चीज़ बस इनको जो है वो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं और ज्यान मुझे कितने दिनों से कह रहा था तो मैंने सोचा आज मैं अपने पुत्र को जो है वो खुश कर दूं थक तो मैं बहुत गई थी रोज़े के साथ और फिर मैं अकेली भी हूँ आजकल लेकिन फिर भी ये है कि अपने बच्चों के लिए तो करना पड़ता है फिर ये मुझे कह रहा है कि मुझे मोमोज़ भी बना के दो तो होपफुली अगर हिम्मत हुई तो आजकल मैं मैं आपके साथ चिकन मोमोज़ की भी रेसिपी शेयर करूँगी बड़ी ही मज़ेदार त, तरीके से बड़े ही ज़बरदस्त डिप सॉस के साथ और चिकन वेजेज़ की भी जो है वो रेसिपी रह गई है आपके साथ वो भी शेयर करूँगी तो आप वीडियोज़ को लेटेस्ट को ज़रूर देखते रहिएगा लेटेस्ट अपडेटेड रहिएगा और और साथ में जो है वो रेसिपीज़ को इंजॉय कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी थी अभी मैंने बेकिंग के लिए रखी थी एक चिकन ब्रेड थी और साथ में एक चिकन पाई थी और एक जो है वो मेरी मछली थी वो भी तैयार हो गई थी फिश भी मेरी और ये तीनों चीज़ें और बड़ा खूबसूरत कलर इनके ऊपर आया था और बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत तरीके से रेडी हो गई थी अब आप मैं आपको इसको कट करके और इसको जो है ना वो दिखाती लेकिन ये है कि अफतारी रोज़ा जो है वो खुल गया था और बस फिर तो समझ नहीं आई कि क्या चीज़ कहाँ गई तो बस फिर वो मैं कुछ भी मज़ीद शेयर नहीं कर सकी आपके साथ तो ये भी पैन छोटा था और आइटम्स जो थी वो बड़ी थी तो इस वजह से एक जो मेरी चिकन ब्रेड थी ना वो बेचारी थोड़ी सी ना समझें कि ना बेचारी थोड़ी सी मुतासर हो गई थी तो वो थोड़ी सी साइड पे इस तरह से उसकी डीमोल्ड हो गई थी तो बस ये है कि बाकी टेस्ट वाइज और सारी जो है वो आप देख सकते हैं कितनी अपीलिंग लग रही है बड़ी ही खूबसूरत और यकीन करें इसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल भी इतना मैं कहती हूँ कि कोई जज नहीं कर सकता कि ये घर में तैयार हुई हैं तो इसके ऊपर एंड पे जो है ना आपने बटर के साथ अच्छे से ब्रश करना है सारा और जो है ना इसके साथ बहुत ही अगर आप प्रोलॉन्ग तरीके के लिए रख दें ना चार पाँच दिनों के लिए भी इजीली आप इसको सेव कर सकते हैं तो फिर ये ना वो नहीं होगी हार्ड नहीं होगी अगर आप इसके ऊपर बटर को ब्रश कर देंगे अच्छे से तो ये सॉफ्ट रहेंगी और अगर आपकी अफ्तारी में टाइम हो या फिर मेहमानों के आने में टाइम हो तो फिर आप ये है कि इसको बेक करके बटर ब्रश करके तो आप तकरीबन इसको जो है उसके ऊपर ना कोई भी दस्तरहान देकर या किचन टॉवल या फिर कोई भी गर्म चीज़ देकर ना ढक दें ताकि हवा का जो है ना वो टच ना हो तो ये बहुत अच्छी रहेंगी सो व्यूवर्स होपफुली आप लोगों ने आज का ब्लॉग भी इंजॉय किया होगा रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा आज का जो वॉइस ओवर है वो इतना हो गया था लंबा और मैं तो रोजे में बोल बोल के भी थक गई इसलिए रिक्वेस्ट है कि ज़रूर लाइक कीजिएगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड थैंक्स फॉर वॉचिंग आ स्टे ब्लेस्ड अल्लाह हाफिज़